क्या हुआ जब झारखंड में एक नागिन की कोख से पैदा हुआ इंसान का बच्चा और फिर जो हुआ उसे देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अजीबोगरीब घटना से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसको जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल दोस्तों, ये घटना झारखंड के एक गाँव की है जहाँ पर सालों पहले एक नागिन ने अपनी कोख से इंसानी बच्चे को जन्म दिया। इतना ही नहीं, उसके बच्चे ने साधारण बच्चे की तरह अपना पूरा जीवन भी जी। दोस्तों, ये सालों पहले की घटना झारखंड के उजमेरी गांव की है जहाँ पर इच्छाधारी नागिन का दिल गांव के रहने वाले हरिया नाम के लड़के पर आ गया था। दरअसल हरिया महादेव का परम भक्त था और वो बचपन से ही गांव में महादेव के बने मंदिर में सुबह शाम जाकर उनकी पूजा अर्चना करता और रोजाना नागों को दूध पिलाता था। हरिया स्वभाव से विनम्र और दयालु भी था, साथ ही वो गांव का सबसे ईमानदार व्यक्ति भी था। ऐसा हरिया सालों से करता आ रहा था जिसको वो इच्छाधारी नागिन सालों से देख रही थी। हालांकि ये बात कोई नहीं जानता था कि इस मंदिर में एक इच्छाधारी नागिन सालों से रह रही है। इस बात से गांववासी पूरी तरह से अनजान थे। महादेव के प्रति और नागों के लिए इतना प्रेम भाव देखकर वो इच्छाधारी नागिन खुश हो गई और उसने फैसला किया कि वो हरिया से अपने मन की बात कह देगी। एक दिन नाग पंचमी वाले दिन उस इच्छाधारी नागिन ने अपना रूप बदलकर एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया। वो इतनी सुंदर दिख रही थी कि जो भी उसे देख रहा था उसकी नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। ऐसे में हरिया भी मंदिर पहुंचा और महादेव को जल अर्पण करने लगा। वहीं वो इच्छाधारी नागिन भी महादेव को जल चढ़ाने लगी, लेकिन हरिया ने उस इच्छाधारी नागिन पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही हरिया पूजा अर्चना करके मंदिर से बाहर जाने लगा तो किसी बहाने से उस इच्छाधारी नागिन ने हरिया से बात की और उसे मिलने को कहा। उसकी सुंदरता देख हरिया भी उसको पसंद करने लगा और आखिर में दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। लेकिन उस इच्छाधारी नागिन ने हरिया से ये बात छिपाई कि वो एक इच्छाधारी नागिन है, इसीलिए उसने कहा कि वो अपने घर में उसका जिक्र ना करे। उस नागिन ने कहा कि वो भागकर शादी करेंगे। हरिया उसकी बातों में आ गया और दोनों ने मौका देखकर विवाह कर लिया। और फिर कुछ ही समय बाद हरिया के परिवार वालों ने उस इच्छाधारी नागिन को बहू के रूप में स्वीकार भी कर लिया। समय बीतता गया और अब दोनों की शादी को 3 साल बीत चुके थे, लेकिन उस नागिन का ये राज राज ही रहा। उस नागिन के पेट में हरिया का बच्चा पलने लगा और 9 महीने बाद उस नागिन ने एक अजीबोगरीब बच्चे को जन्म दिया जो देखने में आधा इंसान और आधा सांप नजर आ रहा था। डॉक्टर्स भी उस अजीबोगरीब बच्चे को देखकर हैरान रह गए। माना जाता है कि वो बच्चा वैसे तो बिल्कुल आम बच्चों की तरह ही था, लेकिन उसका शरीर आधा नाग और आधा इंसान जैसा था। बताया ये भी जाता है कि उस लड़के ने अपना पूरा जीवन साधारण बच्चे की तरह जिया है, लेकिन उस इच्छाधारी नागिन का सच उस दिन बाहर आ गया जब उसके आगे उसके प्यार हरिया के प्राण निकले। उससे पहले ही उस इच्छाधारी नागिन ने अपने बच्चे और हरिया के सामने ये सच्चाई उगल दी। ये सुनकर हरिया को सदमा लगा और उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और शाम तक उस नागिन के डर से दम भी तोड़ दिया। दोस्तों कहते हैं कि हरिया के मरने के बाद वो नागिन अपने बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चली गई थी और उस दिन के बाद वो गांव में दोबारा कभी वापस नहीं लौटी। आज तक कोई नहीं जानता कि वो नागिन और उसका बच्चा कहाँ रहता है। ये बात एक राज बनकर ही रह गई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।